हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ कार्मिक प्रशासन में प्रशिक्षण टॉपिक पर डिस्कस करना चाहूंगा। जैसा कि हमने कार्मिक प्रशासन शुरू किया है और से कार्मिक प्रशासन को जो सेकंड सेक्शन में भारत में लोक सेवा है उससे मिलाकर कर रहे हैं, यानी कि यहां पर हम दो टॉपिक को एक ही साथ एड्रेस कर रहे हैं, सेक्शन वन में कार्मिक प्रशासन और सेक्शन टू में भारत में लोक सेवा। तो कल आपके साथ डिस्कस कर रहा था भर्ती के बारे में और भारत में भर्ती कैसे होता है उसके बारे में, और आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ प्रशिक्षण पर। प्रशिक्षण पर पेपर या सेक्शन वन में एक ही दफा क्वेश्चन आया था जो बहुत पहले आया है, 42वां बीपीएससी में आया था कि प्रशिक्षण क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डाले। अंग्रेजी है बाय द वे, थोड़ा अलग अर्थ कह रहा है। अंग्रेजी में कहता है व्हाट इज ट्रेनिंग, डिस्कस इन वेरियस टाइप्स, मतलब प्रशिक्षण क्या है और इसके विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करें। तो विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करें और हिंदी में विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डाले, दोनों में फर्क हो जाता है। इसलिए जब भी आप किसी क्वेश्चन को देखें तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिलाकर करें, समझ रहे, क्योंकि अंग्रेजी में ही वैलिड माना जाता है और उसी हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। देखो उसी पर सेक्शन टू में यानी पेपर टू में भी प्रशिक्षण पर क्वेश्चन आया है। दो बार क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया है, एक 43वां बीपीएससी में आया था, एक 45वां बीपीएससी में आया था। 43वां बीपीएससी में जो प्रशिक्षण पर क्वेश्चन था वह यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, उसी को रिपीट किया गया था। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, अच्छा है। कहता है कि भारत में उच्च लोक सेवकों का प्रशिक्षण जो है अति शैक्षणिक है कि वह परिणाम उन्मुख नहीं है, इतना नैमित्तिक है कि यह पदोन्नति से जुड़ा हुआ है और इतना सामान्य प्रधान है कि व्यावसायिक दृष्टि से अप्रासंगिक है, व्याख्या करें, स्टेटमेंट था। फिर 45वां बीपीएससी ने पूछा कि अखिल भारतीय सेवा के भर्ती और प्रशिक्षण के प्रणाली पर आलोचनात्मक टिप्पणी करें, प्रशासकों को अधिक प्रतिबद्ध, प्रभावी और ईमानदार बनाने हेतु सुधार के लिए सुझाव दे। बड़ा इंटरेस्टिंग। तो ये अखिल भारतीय सेवा को केंद्र बिंदु पर रख के पूछा, यहाँ उच्च लोक सेवकों को केंद्र बिंदु पर रख के पूछा। खैर, मैं पूरे टॉपिक को दो भागों में बांटकर आपके साथ डिस्कस करूंगा, पहला प्रशिक्षण इन जनरल और दूसरा भारत में प्रशिक्षण। जैसा कि हमने आपको बताया कि कार्मिक प्रशासन में विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, उन कार्यों को मैंने पांच वर्गों में बांटा था। एक कार्य को बताया था जिसको प्रापण कार्य कहते हैं, दूसरा कार्य के बारे में बताया था उसको विकासात्मक कार्य कहते हैं, तीसरा कार्य के बारे में बताया था क्षतिपूर्ति कार्य कहते हैं, पांचवा चौथा को कहा था व्यवस्थापन कार्य कहते हैं, और पांचवा को बताया था एकीकरण कार्य कहते हैं। तो प्रापण कार्य का ताल्लुकात है सही कर्म सही व्यक्ति को लोक सेवा में रिक्त पदों के लिए प्राप्त करना, प्रापण प्रोक्योरमेंट। तो यह भर्ती जो है उससे से ताल्लुकात रखता है। तो भर्ती का ताल्लुकात क्या है, रिक्त पदों के लिए श्रेष्ठ उम्मीदवार को, अच्छे उम्मीदवार को, राइट उम्मीदवार को प्राप्त करना। अब विकासात्मक कार्य का ताल्लुकात क्या है कि जो प्राप्त कर्मचारी उनको हमेशा बेहतर या श्रेष्ठ बनाए रखना, यहाँ प्रशिक्षण से ताल्लुकात रखता है, क्षमता विकास से ताल्लुकात रखता है। फिर आगे मैंने बताया था कि क्षतिपूर्ति कार्य वेतन से जुड़ा हुआ है, समय व्यवस्थापन कार्य आवश्यक कार्यदशा से जुड़ा हुआ है, और फिर एकीकरण कार्य यही प्रेरण और मनोबल से जुड़ा हुआ है। एनीवे, तो मैं अभी आपके साथ प्रशिक्षण कार्य पर या प्रशिक्षण टॉपिक पर डिस्कस करूंगा कि प्रशिक्षण भी कार्मिक प्रशासन में जिस प्रकार भर्ती बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसी प्रकार प्रशिक्षण भी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हो कि भर्ती से हम सही कर्मचारी प्राप्त कर लिए, लेकिन वो हमेशा सही रहे इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए उन्हें सदैव बेहतर प्रशिक्षण देना होगा। जैसा कि आप जानते हो कि लोक सेवा में जो कर्मचारी या व्यक्ति चुने जाते हैं उनके पास कॉलेज का ज्ञान हो सकता है, किताबी ज्ञान हो सकता है, लेकिन पद पर उनसे कुछ व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा की जाती है, पद संबंधी ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। तो ये जो कमी होता है उसको हम प्रशिक्षण के माध्यम से पूरा करते हैं। तो प्रशिक्षण जो हुआ
प्रा और शिक्षण दो शब्दों के योग से बना है। प्रा का मतलब होता है श्रेष्ठ और शिक्षण का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति। अर्थात किसी भी क्षेत्र में अगर ढंग से ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो उसको प्रशिक्षण कहा जा सकता है। और मेरे से पूछ सकते हो कि फिर शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या फर्क हुआ, तो मैं आपको बता दूं, शिक्षण प्रशिक्षण और आज के तारीख में एक नया शब्द इस्तेमाल होता है क्षमता विकास, एक ही जैसा है लेकिन सब में फर्क होता है। शिक्षण जो ज्ञान प्राप्ति कहते हैं, लर्निंग कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता ही रहता है, जन्म से जब सीखने की प्रक्रिया शुरू होती है अंतिम अंतिम तक सीखते रहता है, उसको लर्निंग कहते हैं। उसके लिए कोई एज या कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं, लेकिन प्रशिक्षण ये किसी खास परिस्थिति में दिया जाता है जब किसी कर्मचारी को किसी पद के अनुरूप काम करना होता है, किसी परिस्थिति के अनुसार कार्य करना होता है। किस प्रकार आप बोल सकते हो प्रशिक्षण जो हुआ वह शिक्षण का क्या हुआ, पूरक हुआ। यानी शिक्षण में जो कुछ भी कमी रह जाती है उसको हम प्रशिक्षण के माध्यम से पूरा करते हैं। आज प्रशिक्षण को हम थोड़ा और ब्रॉड संदर्भ लेते हैं और क्षमता विकास कहते हैं। इसमें हम प्रशिक्षण में केवल तकनीकी पक्ष को नहीं शामिल करते हैं, बल्कि तकनीकी पक्ष, वैज्ञानिक पक्ष, मनोवैज्ञानिक पक्ष, समय सभी पक्ष को शामिल करते हैं और कर्मचारी के क्षमता को ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आपको पता है कि कर्मचारी में, व्यक्ति में दूसरे संसाधन के तुलना में असीमित संभावना होता है, और प्रशिक्षण के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उन्हें बहुत प्रभावी ढंग से मैनेज कर सकते हैं। आपने नाम श्री श्री रविशंकर जी का नाम सुना होगा जो कुंडली जागरण करते हैं, समझ रहे हैं? आपने सुना होगा कि वह आर्ट ऑफ लिविंग के लेक्चर भी देते हैं। बहुत सारा जैसे संदीप महेश्वरी और राजना, यानी कितने ऐसे मोटिवेटर हैं जिनका काम है आपके क्षमता को बढ़ाना, आपको मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करना। बहुत नए नए आजकल ट्रेनर आ गए हैं और ट्रेनिंग के तौर तरीके भी बहुत बदल गए हैं। ठीक है, उतना डिटेल में अभी नहीं जाऊं, कल मैं अपने टॉपिक पर कॉन्सेंट्रेट करूं और बतलाओ प्रशिक्षण क्या हुआ। कार्मिक प्रशासन में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हुआ, एक कार्योन्मुख प्रक्रिया हुआ, इट इज एन एक्शन प्रोसेस। ये कार्योन्मुख प्रक्रिया हुआ जिसमें हम कर्मचारी के ज्ञान को, दक्षता को, दृष्टिकोण को, मूल प्रणाली को समृद्ध बनाते हैं ताकि वह वर्तमान कार्य को बेहतर ढंग से मैनेज कर सके और भविष्य के दायित्व के लिए भी खुद को तैयार कर सके। तो प्रशिक्षण का एक मोटा मोटी अर्थ क्लियर हुआ, प्रशिक्षण किसी कर्मचारी के ज्ञान, दक्षता, हमारे दृष्टिकोण और मूल प्रणाली को संवर्धित करने की प्रक्रिया है जिससे कि वह वर्तमान दायित्व का बेहतर ढंग से निर्वहन कर सके और भविष्य के दायित्व के लिए स्वयं को तैयार कर सके। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। यह अपेक्षाकृत कम अवधि के लिए होता है, लेकिन एक बात और है कि यह हमेशा एक निरंतर महसूस किए जाने वाले आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसा कि आप जानते हो कि वर्चुअली क्या होता है, जो संगठन में कर्मचारी हो आते हैं उनमें दो तरह के मतलब उनके समक्ष दो तरह की परिस्थिति देखी जाती है या दो उनके समक्ष चुनौती होता है। पहला, वह लगातार एक ही तरह काम करते करते डिक्रीजिंग रिटर्न्स में जाते हैं, समझ रहे, उनमें क्षमता ह्रास होने लगता है, उनमें उदासीनता धर लेता है, उनमें निष्क्रियता धर लेता है, समझ रहे हैं? उनमें हो सकता है पद के अनुरूप क्षमता का ह्रास होने लगता है। और दूसरे तरफ पर्यावरण में परिवर्तन होते रहता है, परिस्थितियां बदलते रहती है और प्रशासन के समक्ष नए नए चुनौती और मुद्दे प्रदान करते रहते हैं। उस परिस्थिति में प्रशिक्षण के माध्यम से हम दो काम कर सकते हैं। पहला, कर्मचारी में जड़ता का नाश करना, उनमें नवीनता का संचार कर सकते हैं, और दूसरा, उसे परिस्थिति के साथ, पर्यावरण के साथ तालमेल बैठाने में मदद कर सकते हैं। तो प्रशिक्षण एक बहुत ही व्यापक अवधारणा है, प्रशिक्षण एक बहुत ही विस्तृत अवधारणा है, और इसका उद्देश्य न केवल कर्मचारी का ज्ञान और दक्षता बढ़ाना है, बल्कि इसका संबंध कर्मचारी के साथ साथ कार्य के साथ भी है, संगठन के साथ भी है और पर्यावरण के साथ भी है। तो इस हिसाब से प्रशिक्षण एक व्यापक अवधारणा है, इसलिए सभी लोग प्रशासन में प्रशिक्षण पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता है।
देखते हो कि आप 16वीं 18वीं सदी में जो आपने नाम सुना होगा कैमरलिस्ट सुधारवादी आंदोलन चला था, उस आंदोलन में भी लोक सेवकों के प्रशिक्षण पर बल दिया गया था। हेनरी फ्यूल जो आप समझ सकते हो 1916 में अपनी पुस्तक इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन लिखा, उसमें भी उन्होंने माना कि तकनीकी ज्ञान के आधार पर आप प्रबंधकीय और प्रशासनिक कार्य संपन्न नहीं कर सकते, प्रशासनिक और प्रबंधकीय कार्य करने के लिए आपको प्रशिक्षण की जरूरत होती है। इंग्लैंड का एसेटन कमेटी 1944 में पहली बार लोक सेवकों के प्रशिक्षण पर व्यापकता से विचार किया और उसका मानना है कि प्रशिक्षण से संगठन और कर्मचारी दोनों के दक्षता को प्रभावित किया जा सकता है और जो निर्दिष्ट लक्ष्य है उसे प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सकता है। तो आप कह सकते हो प्रशिक्षण का बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, तो क्या क्या उद्देश्य पे बता सकते हो? तो ऐसे तो बहुत ज्यादा उद्देश्य आप उतना नहीं दे सकते, तो चार उद्देश्य पर आप वर्कआउट कर सकते हो। इसे मैं एसेटन समिति जो प्रशिक्षण का उद्देश्य बतलाया था वो मैं पहले पॉइंट आउट करता हूँ। पहला उद्देश्य एसेटन समिति इंग्लैंड का है, उसने बतलाया कि लोक सेवकों को संक्षिप्तता और स्पष्टता से काम करने के लिए सक्षम बनाना, लोक सेवक संक्षिप्तता से और स्पष्टता से काम करे, यह उद्देश्य किसका? प्रशिक्षण का है। दूसरा, लोक सेवक परिवर्तित परिस्थिति के साथ या परिवर्तित दुनिया के परिप्रेक्ष्य में स्वयं को बेहतर कर सके इसके लिए तैयार करना। तीसरा, इसका कहना था लोक सेवकों को समुदाय के प्रति सजग बनाना। चौथा, ये बोल था कि लोक सेवकों में उच्चतर कार्य और जवाबदेही के लिए क्षमता विकसित करना। और पांचवा बोला, लोक सेवकों के मनोबल को ऊंचा उठाना। तो ये सब किसका उद्देश्य था, किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था? एसेटन कमेटी इंग्लैंड द्वारा सजेस्ट किया गया था। पहला, लोक सेवक स्पष्टता और संक्षिप्तता से काम कर सके इस योग बनाना। दूसरा, लोक सेवक परिवर्तित परिदृश्य के परिपेक्ष में काम कर सके इसके लिए तैयार करना। लोक सेवकों को समुदाय के प्रति सजग बनाना। लोक सेवकों को उच्चतर कार्य और जवाबदेही के लिए क्षमता विकसित करना और लोक सेवकों का मनोबल को ऊंचा उठाना। इसके अलावा और भी प्रशिक्षण के कुछ उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे जो नए कर्मचारी आते हैं उनका बहुत सारे परिसीमाएं रहती है, ना वो संगठन को जान रहे होते ना कार्य को जान रहे होते, तो प्रशिक्षण उनके इन अपर्याप्तताओं को दूर करता है। दूसरा, प्रशिक्षण लोक सेवकों के दृष्टिकोण समझे और सोच को क्या करता, व्यापक बनाता है। या लोक सेवकों में दलीय भावना और अखंडता की भावना विकसित करता है। नेक्स्ट, यह लोक सेवकों को ये बतलाता है कि आप जनता का सेवक है ना कि स्वामी। इस प्रकार आप देखते हो कि प्रशिक्षण का व्यापक उद्देश्य है। अगर आप चाहो तो प्रशिक्षण के उद्देश्य को दो वर्गों में बांटकर भी देख सकते हो। एक उद्देश्य या ज्यादा भी, मैं आपको चार संदर्भ बता सकता हूँ। कार्य के संदर्भ में उद्देश्य, कर्मचारी के संदर्भ में उद्देश्य, संगठन के संदर्भ में उद्देश्य और पर्यावरण या समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रशिक्षण का उद्देश्य। जैसे उदाहरण के तौर पर कार्य के संदर्भ में प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य होता है, तो कर्मचारी को हम जितना बेहतर प्रशिक्षण देंगे उनके कार्य मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से उतना समृद्ध होगा। तो इस प्रकार प्रशिक्षण का एक उद्देश्य हो सकता है कार्य का मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार लाना। दूसरा, कर्मचारी के संदर्भ में क्या हो सकता है, जो कर्मचारी प्रशिक्षित होते हैं उनका साख ज्यादा होता है, उनका मार्केट वैल्यू ज्यादा होता है, उनकी क्षमता ज्यादा होता है, उनका वेतन और सेवा शर्त ज्यादा आकर्षक होता है। तो प्रशिक्षण के माध्यम से हम मानव संसाधन का निर्माण करते हैं। तीसरा, संगठन को क्या लाभ होता है प्रशिक्षण से, तो संगठन को बहुत ज्यादा लाभ होता है। कर्मचारी जितने प्रशिक्षित होंगे, बेहतर होंगे, उतना ज्यादा निष्पादन होगा और जितना ज्यादा निष्पादन होगा संगठन को उतना ज्यादा लाभ होगा, संगठन की छवि उतनी अधिक बेहतर होगी। क्लियर है? और चौथा, जब सब चीज ठीक होगा तो पर्यावरण यानी समाज को भी लाभ होगा। जैसे आप देखते हो, जिस उदाहरण के तौर पर आप ले लो, जैसे सपोज करो हमने स्कूल में टीचर्स अपॉइंट किए और उनको बगैर प्रशिक्षण दिए क्लास में भेज दिया, मैंने पुलिस अपॉइंट किए,
और उनको बिना ट्रेनिंग दिए हुए फील्ड में भेज दिया, काम तो कर ही लेंगे लेकिन वो काम नाकाम बराबर ही है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि उनको क्लास में भेजने के पहले, फील्ड में भेजने के पहले प्रशिक्षण दिया जाए, नहीं तो फिर वो निरर्थक है। उनको भेजा जाना या ना भेजा जाना कोई मायने नहीं रखता, ये प्रशिक्षण बड़ा इम्पोर्टेंट है। और मैं बतला दूं कि प्रशिक्षण का कार्मिक प्रशासन में वही इम्पोर्टेंस है जो क्या होता है वो कृषि में, समझ रहे, उर्वरक का होता है। कृषि में आप उर्वरक डालते हो तो निष्पादन बेहतर होता है। उसी प्रकार क्या होता है कि यदि संगठन में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है तो उनके परफॉर्मेंस बेहतर होते हैं। बिना प्रशिक्षण के भी वो परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन उसका क्वालिटी बहुत ही पुअर होता है। तो प्रशिक्षण का वही महत्व है जो बागवानी में किसका है, उर्वरक का। क्लियर हो गया, मेरी नो कंफ्यूजन। तो प्रशिक्षण समझ में आया आपको, तो क्या फिर से मैं रिपीट कर दू, प्रशिक्षण कार्मिक प्रशासन में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। विकास या विकासात्मक कार्य से ताल्लुकात है, इसका संबंध है प्राप्त योग्य कर्मचारियों को सदैव योग्य रखना। क्लियर है, प्रशिक्षण का मतलब होता है कर्मचारी के ज्ञान, दक्षता, मूल्य प्रणाली, दृष्टिकोण इत्यादि को समृद्ध करना ताकि वह वर्तमान दायित्व का भली भांति ढंग से निर्वहन कर सके और भविष्य के दायित्व के लिए स्वयं को तैयार कर सके। क्लियर, प्रशिक्षण के बारे में मतलब यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह किसी विशेष परिस्थिति में होता है और कम अवधि के लिए होता है, परंतु यह निरंतर महसूस किए जाने वाले आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में एक निरंतर प्रक्रिया। मैंने बताया शिक्षण प्रशिक्षण में अंतर यही है कि प्रशिक्षण शिक्षण का पूरक है और प्रशिक्षण का एक नया नाम हम लोग किस रूप में देखते हैं, क्षमता विकास या मानव संसाधन विकास के रूप में दे सकते हो। फिर आप यहाँ कह सकते हो कि प्रशिक्षण जो है वर्चुअली समय कई प्रकार का हो, प्रशिक्षण कई उद्देश्य होता है। तो मैंने उद्देश्य बताया संगठन के संदर्भ में, फिर कर्मचारी के संदर्भ में, कार्य के संदर्भ में और समाज और पर्यावरण के संदर्भ में। मैंने बताया कि इंग्लैंड का एसटन कमेटी जो पहला है जिसने 1944 में लोक सेवक के प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया और उसका मानना है कि प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारी की दक्षता और संगठन की दक्षता दोनों को प्रभावित किया जा सकता है। उसने 5 उद्देश्य बतलाया था प्रशिक्षण का, जैसे पहला कि लोक सेवक संक्षिप्तता और स्पष्टता से काम कर सके, लोक सेवक परिवर्तित परिदृश्य में स्वयं को डाल सके, लोक सेवक समुदाय के प्रति सजग हो सके, लोक सेवक उच्चतर कार्य जवाबदेही के लिए तैयार हो सके और लोक सेवकों का मनोबल ऊंचा हो। इसके अलावा और भी छोटा मोटा कई उद्देश्य बताया, जैसे लोक सेवकों में जो नए लोक सेवक होते हैं उनमें जो कमियां होती है और अपर्याप्तता होती है उसे पूरा करना, लोक सेवकों के दृष्टिकोण और स्वरूप को व्यापक करना, लोक सेवकों में अखंडता एकता की भावना बढ़ाना, कह सकते हैं लोक सेवकों में दलीय भावना बढ़ाना, और आप ये कह सकते हो कि लोक सेवक समुदाय के प्रति सेवक के भांति काम करें ना कि समाज स्वामी के रूप में बिहेव करें, ये सोच सुनिश्चित करना। जैसा कि आप जानते हो कि जैसे कार्मिक प्रशासन में अगर कोई कर्मचारी आ गया है समझ रहे, तो उसको संगठन के अनुसार कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, कैसे कंडीशन किया जा सकता है, तो प्रशिक्षण एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके द्वारा हम उसके पर्सनैलिटी को रिडिफाइन कर सकते हैं और उससे जैसा चाहे वैसा परफॉर्मेंस सुनिश्चित कर सकते हैं। क्लियर, देयर इज नो कन्फ्यूजन। मैंने बताया प्रशिक्षण का वही महत्व है जो बागवानी में उर्वरक का है। अब हम लोग देखते हैं प्रशिक्षण कितने प्रकार का होता है। तो प्रशिक्षण कई प्रकार का हो सकता है, अगर आप चाहो तो उसको क्लासिफाई कर सकते हो औपचारिक प्रशिक्षण और अनौपचारिक प्रशिक्षण, यानी वह प्रशिक्षण जो प्राधिकृत हो, नियोजित हो, पहले से तय शुदा हो, विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में दिया जाता हो, प्रशिक्षण संस्थान में दिया जाता हो तो औपचारिक प्रशिक्षण कहते हैं। और अनौपचारिक प्रशिक्षण किसको कहते हो, जो कार्य करते हुए आप ज्ञान प्राप्त करते हो, जो लर्निंग बाय डूइंग मैकेनिज्म के तहत होता हो। जैसे आप कह सकते हो कि जैसे कोई गैराज में लड़का स्कूटर या मोटरसाइकिल का बनाने का काम सीख रहा है उसको अनौपचारिक प्रशिक्षण कहेंगे, लेकिन कोई लड़का अगर आईटीआई ज्वाइन कर लेता है या आईआईटी लिया तो औपचारिक प्रशिक्षण कहलाएगा। तो औपचारिक प्रशिक्षण का मतलब वह हुआ जो प्राधिकृत हुआ, संगठनात्मक हुआ, पूर्व नियोजित और पूर्व निर्धारित तरीका से हुआ, व्यवस्थित ढंग से हुआ और
जो व्यवहारिक हुआ, कार्यात्मक हुआ, व्यक्तिगत हुआ, हमारे काम करते हुआ, उसको अनौपचारिक कहते हैं। हमारे लोक सेवकों को औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रशिक्षण दिया जाता है। यही कारण है कि गोरवाला जो ICS अधिकारी थे ब्रिटिश काल में, उन्होंने बड़ा सही शब्द कहा है कि IAS अधिकारी के अनौपचारिक प्रशिक्षण के संदर्भ में उनका मानना है कि एक युवा IAS अधिकारी के लिए, समझ रहे हैं, या सब कलेक्टर के लिए, कलेक्टर का जो घर होता है वह क्या होता है, दूसरा घर होता है। जब IAS अधिकारी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में कलेक्टर के यहाँ आते हैं तो उनको इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वह कलेक्टर के यहाँ आए, जाएं, उनके तौर तरीका सीखे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीजें होती है जिनको क्लासरूम में नहीं सिखलाया जा सकता, उन्हें प्रशिक्षण के माध्यम से ही सिखलाया जा सकता है। तो आप यहाँ कह सकते हो कि गोरवाला का स्टेटमेंट बड़ा अच्छा है कि एक युवा सब कलेक्टर के लिए, कलेक्टर का घर क्या होता है, प्राय दूसरा घर होता है। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं औपचारिक प्रशिक्षण एक प्रकार का, वो भी कई प्रकार का होता है। जैसे हम औपचारिक प्रशिक्षण को तीन वर्गों में बांट सकते हैं प्रवेश के आधार पर। एक को कहते हैं प्री एंट्री प्रशिक्षण। प्री एंट्री प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है, जो प्रवेश के पहले लिया जाता हो तो उसको प्री एंट्री कहते हैं, प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण। ये जनरली लोक सेवा में नहीं प्रयुक्त होता है, लेकिन टेक्निकल और इंजीनियरिंग सर्विस, मेडिकल वगैरह में इस्तेमाल होता है कि उसी लोग को सरकार में डॉक्टर के पद पर नियुक्त किया जाएगा जो MBBS का या BTEC का डिग्री लिए हुआ होगा, समझ रहे हैं? तो उसमें ये संदर्भ इस्तेमाल, उसको हम लोग प्री एंट्री ट्रेनिंग कहते हैं। यानी जो प्रवेश के पहले प्रशिक्षण लिया जाता है उसको हम प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण कहते हैं। प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण भी दो प्रकार का होता है, एक प्रशिक्षण को हम इंटर्नशिप कहते हैं और दूसरे को कहते हैं अप्रेंटिसशिप। इंटर्नशिप जनरली मेडिकल में और प्रशासनिक क्षेत्र में इस्तेमाल होता है, जिसमें प्रशिक्षण संस्थान में रहते हुए लोक सेवकों को प्रशिक्षण लेना होता है। मतलब वो अपने घर नहीं जा सकते, वहीं रहना है जहाँ 24x7 के हिसाब से प्रशिक्षण देते हैं, तो उसको हम लोग इंटर्नशिप कहते हैं। डॉक्टरों में भी ऐसा देखने को मिलता है। और अप्रेंटिसशिप क्या होता है, तकनीकी क्षेत्रों में होता है, जहाँ कर्मचारी काम करते हैं, सीखते हैं, काम करते हुए सीखते हैं। वहाँ हॉस्टल में रहने की ऐसा मर्यादा नहीं है या लिमिटेशन नहीं है। क्लियर है? तो जैसे हुआ तकनीकी क्षेत्रों में अप्रेंटिसशिप और मेडिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्रों में इंटर्नशिप जैसी व्यवस्था प्रयुक्त होता है। दूसरा होता है ऑन एंट्री ट्रेनिंग। ऑन एंट्री ट्रेनिंग का मतलब क्या हुआ, जो वो प्रवेश कर रहे हो उस समय आपको प्रशिक्षण मिलेगा। तो ऑन एंट्री में हम लोग देखते हैं दो तरह का प्रशिक्षण होता है, एक आप कह सकते हो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग और एक कह सकते हो इंडक्शन ट्रेनिंग। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, वह ट्रेनिंग जो आपको संगठन से दोस्ती कराने के लिए, आपके कार्य और नए कार्यदशा से अवगत कराने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, कह सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पर जो IAS अधिकारियों को जो 4 महीने का फाउंडेशन कोर्स मिलता है उसको आप ओरिएंटेशन ट्रेनिंग की तरह से कह सकते हो, क्योंकि उसमें उद्देश्य होता है जितने लोक सेवक चुने गए हैं उनके बीच दलीय भावना बने और वो लोक प्रशासन के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय समाज के बारे में बेसिक जानकारी डेवलप कर सके। दूसरा होता है इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग को विषयगत प्रशिक्षण कहते हैं और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, ये विन्यास प्रशिक्षण कहते हैं। तो विषयगत प्रशिक्षण डिटेल प्रशिक्षण होता है, उसमें उनको व्यापक प्रशिक्षण दिया जाता है, सब्जेक्ट के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे IAS अधिकारियों को सैंडविच कोर्स के तर्ज पर दिया जाने वाला प्रशिक्षण इंडक्शन ट्रेनिंग का एग्जाम्पल है, जिसमें उनको विषयगत प्रशिक्षण क्लास में भी मिलता है, फील्ड में भी भेजा जाता है। चूंकि दो क्लास ट्रेनिंग के बीच में एक फील्ड ट्रेनिंग होता है, इसलिए इसको हम लोग सैंडविच कोर्स कहते हैं, जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुशंसा पर शामिल किया गया है। समझ रहे हैं आपको? इंडक्शन ट्रेनिंग में विषयगत प्रशिक्षण होता है, उसमें विषय के बारे में बारीकी से अध्ययन कराया जाता है। जैसे IAS अधिकारी को IPC के बारे में, CRPC के बारे में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में, लैंड रेवेन्यू कोड के बारे में, समझ रहे हैं? उसके बाद लीगल सिस्टम के बारे में डिटेल से पढ़ाया जाता है, उसी को हम लोग इंडक्शन ट्रेनिंग कहते हैं। उसके बाद इन सर्विस ट्रेनिंग और पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग, दोनों एक जैसा लगता है लेकिन दोनों फर्क होता है। पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग का मतलब होता है जो प्रवेश के बाद होता है। तो लोग सेवक जो प्रवेश हो जाते हैं, और भारत सरकार में ऐसा नियम है कि जो 5 साल नौकरी कर लेता है
तो उसको इन सर्विस ट्रेन मतलब कैसे तो पोस्ट इंटर ट्रेनिंग का व्यवस्था मिलता है, उनको स्टडी लीव मिलता है, जो उनको अध्ययन अवकाश में जा सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कुछ कोर्स भी कर सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टडी लीव या अध्ययन अवकाश, या फिर उसको आप पोस्ट इंटर ट्रेनिंग कह सकते हो। लेकिन इन सर्विस ट्रेनिंग किसको कहते हैं, इन सर्विस ट्रेनिंग उसको कहते हैं जो पूरे सेवा के दौरान लोक सेवकों को मिलता है या जीवन पर्यंत मिलते रहता है। इसमें दो तरह का ट्रेनिंग हो सकता है, रिफ्रेशर और रीओरिएंटेशन। रिफ्रेशर जैसा कि नाम से पता लग रहा है, रिफ्रेशर का मतलब क्या हुआ, उनको फिर से ताजगी करने के लिए, उनको नवीनता देने के लिए जो ट्रेनिंग दिया जाता है उसको हम लोग रिफ्रेशर कोर्स कहते हैं। हिंदी में इसको पुनश्चया प्रशिक्षण कहते हैं, पुनश्चया प्रशिक्षण। और दूसरा रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग, जिसमें आपको ट्रेनिंग मिला था वो टेक्निक बदल गया, वो जॉब सिचुएशन बदल गया, अब आपको नए टेक्निक सीखने, नए वर्क एनवायरमेंट में काम करना, तो इस ट्रेनिंग को हम लोग रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग कहते हैं। तो रिफ्रेशर ट्रेनिंग और रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग समझ में आया आपको, रिफ्रेश करने के लिए, ताजगी प्रदान करने के लिए, फिर से ज्ञान देने के लिए जो प्रशिक्षण होगा उसको हम लोग रिफ्रेशर ट्रेनिंग कहेंगे। और किसी नए तकनीक, किसी नए मूल्य, किसी नए विन्यास के तरफ आपको ज्ञान देने के लिए जो प्रशिक्षण दिया जाएगा उसको रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग कहेंगे। इसके लिए ट्रेनिंग और भी कई प्रकार का हो सकता है, जैसे आप कह सकते हो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग एंड लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग। वह प्रशिक्षण जो एक आधा महीना चलता है उसको हम शॉर्ट टर्म कह सकते हो, जो 6-7 महीना या साल भर चलता है उसको लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग कह सकते हो। क्लियर है? जैसे IAS अधिकारी को प्रत्येक साल 1 सप्ताह के लिए लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में रिफ्रेशर कोर्स ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कह सकते हो। लेकिन जो इंडक्शन ट्रेनिंग होता है वो करीब आपका 20 महीना चलता है। क्लियर है? तो उसको आप लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग कह सकते हो। फिर एक है डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग, और कह सकते हो सेंट्रल ट्रेनिंग, सेंट्रलाइज ट्रेनिंग। डिपार्टमेंट ट्रेनिंग का मतलब हुआ हर विभाग अगर अपने अपने स्तर पर प्रशिक्षण देता है तो उसको विभागीकृत प्रशिक्षण कहते हैं, और सब कर्मचारी को जो विभिन्न विभागों में काम करते हैं एक जगह प्रशिक्षण दिया जाता है उसको केंद्रीकृत प्रशिक्षण कहते हैं। क्लियर? जैसे आप इंडक्शन ट्रेनिंग को ले लो डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग, और फाउंडेशन कोर्स को ले लो सेंट्रलाइज ट्रेनिंग। फिर आप देख सकते हो स्किल ट्रेनिंग एंड बैकग्राउंड ट्रेनिंग, यानी वह ट्रेनिंग जिसका उद्देश्य कोई खास दक्षता विकसित करना हो तो उसको दक्षता प्रशिक्षण यानी स्किल ट्रेनिंग कहते हैं, और वह प्रशिक्षण जिसका उद्देश्य दृष्टिकोण विकसित करना है, पृष्ठभूमि विकसित करना, बेसिक ज्ञान देना है, तो उसको बैकग्राउंड ट्रेनिंग कहते हैं। समझ गए आपको? तो फाउंडेशन ट्रेनिंग क्या हो गया, बैकग्राउंड ट्रेनिंग हो गया, और इंडक्शन ट्रेनिंग क्या हो गया, स्किल ट्रेनिंग हो गया। क्लियर? देयर इज नो कन्फ्यूजन। प्रशिक्षण में बहुत सारे टेक्निक भी इस्तेमाल होते हैं, तो मैं आपको कुछ टेक्निक पर आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो औपचारिक पहले प्रशिक्षण का रूप समझ गए ना, पहला क्या बोला औपचारिक अनौपचारिक, फिर औपचारिक को मैंने 3 वर्गों में बांट दिया, ऑन एंट्री, प्री एंट्री, ऑन एंट्री एंड पोस्ट एंट्री। ऑन एंट्री में मैंने बताया 2 तरह का होता है, अप्रेंटिस और इंटर्नशिप। प्री एंट्री में ऑन एंट्री मैंने बताया 2 होता है, कहते हैं एक को कहते हैं ओरिएंटेशन और दूसरा कहते हैं इंडक्शन। पोस्ट एंट्री और फिर कह सकते हैं इन सर्विस को हमने अलग अलग रखा। पोस्ट एंट्री का तो मतलब आप समझ लो जो स्टडी लीव जो लोक सेवकों को मिलता है, जिसमें वो पूरे जीवन के दौरान अधिकतम 3 साल का अवकाश ले सकते हैं, और एक बार में अधिकतम 2 साल का अवकाश ले सकते हैं। उसमें उनको वेतन वगैरह भी मिलता है, और उनको अधिक अपने किसी क्षेत्र में ज्ञान या विद्यता हासिल करने के लिए मिलता है। और इन सर्विस ट्रेनिंग जो उनको थ्रू आउट जीवन में मिलता है उसको हम इन सर्विस ट्रेनिंग कहते हैं। और उसमें कौन सा ट्रेनिंग होता है, मतलब आपको मैंने बताया रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग होता है और रिफ्रेशर कोर्स होता है। क्लियर है? फिर मैंने और प्रशिक्षण के और भी रूप बताया, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, फिर बताया बैकग्राउंड ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग, तो सेंट्रलाइज ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ट्रेनिंग, अब तो आप देखो ऑफलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग। ऑफलाइन मतलब क्या हुआ, जो पुराने लेक्चर मेथड के माध्यम से जो प्रशिक्षण मिलता था उसको ऑफलाइन कर सकते हो, और आजकल तो IT के आने से प्रशिक्षण का स्वरूप ही बदल गया, उसको ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकते हो, जो कंप्यूटर पर इंटरनेट पर जो आप प्रशिक्षण आपको मिलता है। जैसे इग्नू बहुत सारे कोर्स है आजकल ऑनलाइन कराती है, और बहुत सारे ऐसे कोर्स चल रहे हैं जो ऑनलाइन होते हैं। क्लियर है? दिस इज बेसिक पॉइंट। जैसे आप हमारा क्लास आज जो ले रही है ऑनलाइन ही हो गया, ये भी एक तरह से प्री एग्जाम कर सकते हो, ट्रेनिंग ही है। आप लोक सेवा के लिए तैयारी कर रहे हो, हम उसके एग्जाम के पहले आपको कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं, कुछ जानकारी दे रहे हैं।
अब मैं टेक्निक के बारे में बताऊंगा कि लोग प्रशासन में बहुत सारे प्रशिक्षण में टेक्निक इस्तेमाल होते हैं, तो सबसे पहला और सबसे मतलब कह सकते हैं विधि वही टेक्निक होता है लेक्चर विधि। लेक्चर जो मैं आपके सामने व्याख्यान कर रहा हूँ समझ रहे, उसको व्याख्यान विधि कहते हैं। इसमें होता क्या है कि कोई विशेषज्ञ कोई ज्ञान मतलब कोई विचारक किसी विषय पर विस्तार से ज्ञान देता है, उससे संबंधित हर पहलुओं को क्लियर करता है। समझ रहे, इसमें फायदा क्या होता है कि एक समय में एक बड़े संख्या में लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है कम्युनिकेशन वन वे होता है, और दूसरा ये तकनीकी और गुण प्रौद्योगिक चीजों को समझाने में ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो सकता। जनरल चीज के बारे में किसी चीज में ओरिएंटेशन डेवलप करना समझ रहे हैं, फिर आप कर सकते हो थोड़ा सा नवीनता संचार करना, ये सब के लिए इस्तेमाल हो सकता है, गहन जानकारी के लिए पूरी तरह प्रयुक्त नहीं होता। दूसरा मैंने बताया सिंडिकेट मेथड, ये जो ब्रिटिश मैकेनिज्म है, ब्रिटेन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज है वह इसने डेवलप किया था। इसमें क्या किया जाता है, जो प्रशिक्षु है उनको छोटे छोटे समूह में तीन चार के समूह में बांट दिया जाता है, उनको किसी एक फैकल्टी के मतलब गाइड के अधीन रखा जाता है, उनको कोई सब्जेक्ट दे दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप लोग सब मिलकर काम करो और आपका जो गाइड है आपको इसमें हेल्प करेगा। फिर उसके बाद इस पर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है और क्वेरी कराते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं सिंडिकेट मेथड कहते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड में क्या होता है कि कोई विशेष घटना कोई विशेष पर घटना को केंद्रबिंदु पर रखकर उसके बारे में उसका बारीकी समझाया जाता है। जैसे आप देख सकते हो कि बहुत सारे जैसे रेलवे इंजनों बहुत मुनाफा कमा रहा है या लॉस में चल रहा है या कुछ ऐसा घटना घटा जो लोक सेवकों के लिए एक सबक बन सकता है विशेष अध्ययन बन सकता है, उसी को केंद्रबिंदु पर रखकर जो ज्ञान दिया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं केस अध्ययन उपागम कहते हैं। क्लियर है, जैसे आप ले सकते हो नोटबंदी को ले सकते हो, किसी जिला में जीएसटी बहुत बेहतर ढंग से काम किया उसको ले सकते हो, किसी में आप कह सकते हो कि सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ और वो दूसरे के लिए नजीर बन गया तो उसको केस स्टडी के रूप में लोग लेते हैं। इंसिडेंस मेथड, इसमें आपको किसी भी घटना से संबंधित बहुत सारे तथ्य दे दिए जाते हैं और उसमें आपको परफॉर्म करके उसको मैनेज करने के लिए कहा जाता है, इसको हम लोग इंसिडेंस मेथड कहते हैं। मतलब समस्या के बारे में आपको बहुत सारे फैक्ट्स जितने रेलिवेंट कंपोनेंट्स वो दे दिया थे और हमको उसमें करने के लिए कहा था, फिर इस पर डिबेट डिस्कशन कराया था। रोल प्ले मेथड, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको भूमिका निर्वहन करने के लिए कहा था और भूमिका निर्वहन करके उसके बारीकी को समझने की कोशिश किया था। समझ रहे हैं, ये जनरली नुक्कड़ वगैरह आपने सुना होगा जिसमें लोग नुक्कड़ में भूमिका निर्वहन करके बहुत सारे ऐसे चीज की जानकारी देते हैं जैसे आमतौर पर आदमी नहीं समझ सकता या उसको बहुत हल्के फुल्के तरीके से समझा दिया जाता है। तो रोल प्ले में क्या होता है, एक ऐसा एक्चुअल मतलब वर्चुअल वातावरण का निर्माण किया जाता है जिसमें आप उस चीज को घटित होते हुए संपन्न होते हुए करते हुए देखते हैं और उसके बारीकी को समझने की कोशिश करते हैं। मैनेजमेंट गेम्स, मैनेजमेंट में बहुत सारे आज के तारीख में गेम्स है जो प्रशिक्षण में इस्तेमाल होते हैं, तो मैनेजमेंट गेम्स उसी संदर्भ में इस्तेमाल होता है जो प्रशिक्षण में साइंटिफिक टेक्निक के रूप में इस्तेमाल होता है या हल्का फुल्का खेल के रूप में होता है, इन बड़ी 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 बातें समझा देता है। तो पर मैनेजमेंट गेम्स मतलब मैनेजमेंट के क्षेत्र में प्रबंध के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे टेक्निक है जो गेम के रूप में इस्तेमाल होते, आप देखते होंगे जैसे जैसे आप उदाहरण के तौर पर जैसे किसी गांव वाले को एकता के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए कोई गया, कोई सपोज मोटिवेटर गया, उसने बोला उंगली दिया ऐसे समान तौर पर बोला खोल दो, सब लोगों ने खोल दिया लेकिन उसको बढ़िया से अंगूठा से उसको दबाकर बोला अब खोल के देख लाओ, तो अंगूठा निकाल के देख लाओ क्योंकि उसको सब तरफ से उंगलियां ने पकड़ रखी थी, तो जो खड़ा था बड़ा दिक्कत खोलने में बड़ा दिक्कत हो रहा था, बोला यही है कि अगर आप एक एक करके गांठ खोलोगे तो अंगूठा निकल सकता है लेकिन अगर आप अंगूठा को डायरेक्ट निकालना चाहो तो मुश्किल होता है। तो गेम है जिसके माध्यम से बहुत सारा चीज को सरलता से और सहजता से समझा जा सकता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, इसको आप कह सकते हो मतलब कह सकते हो ये मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण है, इसके द्वारा व्यक्ति के अंदर बैठे हुए बहुत सारे विकार होते हैं बहुत सारे परिसीमाएं होती है जिससे वह खुद अवगत नहीं होता है उसके बारे में खुद नहीं जानता होता है, इससे हम उसको दूर करने का कोशिश करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण। इसी का एक नाम है टी
ग्रुप प्रशिक्षण इसको डेवलप किया क्रिस आर्ग्रिस ने, तो आप यहाँ पॉइंट आउट कर सकते हो। मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण जो पूरा के किसका मतलब भौतिक प्रौद्योगिक प्रशिक्षण का, इसमें उन सब चीजों को दूर किया जाता है जो अपरिभाषित स्वरूप के होते हैं, अस्पष्ट स्वरूप के होते हैं, खुद व्यक्ति को नहीं पता होता है कि उसमें क्या परिसीमा है, उनके क्या दोष है, तो इसको इसके माध्यम से वर्कआउट किया जाता है। इसमें आत्मविश्लेषण का मौका मिलता है, चर्चा विचर्चा का मौका मिलता है, आत्ममंथन का मौका मिलता है। क्लियर है? तो ये प्रशिक्षण का मैं बहुत सारे आपको रूप बतला रहा था। अब मैं थोड़ा भारत में लोगों को कैसे प्रशिक्षण दिया जाता रहा है उस पर आपको वर्कआउट करना चाहूंगा कि भारत में लोक सेवकों का बहुत ही बेहतर प्रशिक्षण व्यवस्था उपलब्ध है और ये व्यवस्था ब्रिटिश काल में ही डेवलप हुआ। मैं आपको बतला दूं, ब्रिटिश काल में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था तो लोक सेवकों को प्रशिक्षण इंग्लैंड के जो जाने माने विश्वविद्यालय होते थे वहां दिए जाते थे, लेकिन भारत में उनको प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से 1800 ईस्वी में समझ रहे ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया। समझ रहे ईस्ट इंडिया कॉलेज को सरकार द्वारा या ब्रिटिश सरकार द्वारा अनुमति नहीं मिली, इस कारण इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका और यह फिर उसी तरह रुक गया और फिर इंग्लैंड में प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था पुराने वाले लागू कर दी गई कि इंग्लैंड के विश्वविद्यालय में वो लोग जाते थे और प्रशिक्षण पाते थे। क्लियर है? 1806 में इंग्लैंड में हेलीबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया था और वहां प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, लेकिन जब क्राउन ने शासन अपने हाथ में ले लिया तो फिर इंग्लैंड में जो विश्वविद्यालय प्रशिक्षण व्यवस्था थी वो लागू हो गया। समझ में आया? शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी में, इंग्लैंड के विश्वविद्यालय में, 1800 में कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कॉलेज जो नहीं आगे बन पाया, और समझ रहे आपका 1806 में इंग्लैंड में खोला गया और वहां प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। क्राउन द्वारा शासन हाथ में लिए जाने के बाद फिर इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी में ही प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दी गई, लेकिन जब विश्व युद्ध छिड़ा तो उस समय इंग्लैंड लोक सेवकों को भेजा जाना संभव नहीं हो सकता था, इसलिए क्या किया गया, देहरादून में कैंप ट्रेनिंग कॉलेज खोला गया, कैंप ट्रेनिंग स्कूल, और वहीं पर लोक सेवकों की प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। क्लियर है? फिर दिल्ली में मेटकॉफ हाउस में आईएसएस अधिकारी के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। समझ रहे? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिमला में आईएएस स्टाफ कॉलेज खोला गया और सीनियर आईएएस अधिकारी जो आईसीएस जो आईएएस बने थे उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय दो प्रशिक्षण मेटकॉफ हाउस में फ्रेश आईएएस अधिकारी को प्रशिक्षण दिया जाता था और शिमला में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में सीनियर आईएएस अधिकारी के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। दोनों को मिला दिया गया और फिर आपको यहाँ पर 1959 में मंसूरी में राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी खोला गया और आईएएस के प्रशिक्षण की व्यवस्था वहीं कर दी गई। 1972 में इसका नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कर दिया गया। भारत में यह आईएएस का प्रशिक्षण संस्थान है और जितने भारत में प्रशिक्षण संस्थान है सब में सबसे सर्वोपरि माना जाता है। दूसरे सेवा के भी अपने अपने प्रशिक्षण संस्थान है, जैसे आईपीएस के प्रशिक्षण संस्थान है आपका हैदराबाद में जिसका नाम है सरदार पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, उसी प्रकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में आईएफएस अधिकारी का, इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारियों को दिल्ली में इंडियन फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट है वहां उनको प्रशिक्षण दिया था, नागपुर में इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी को और बड़ौदा में इंडियन रेलवे सर्विस के अधिकारी को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो भारत में जो प्रशिक्षण का जो स्वरूप है वह मोटा मोटी समझ लीजिए ऑन एंट्री एंड पोस्ट एंट्री एंड इन सर्विस ट्रेनिंग के रूप में है। पहला क्या होता है ऑन एंट्री यानी प्रवेश के समय मिलता है, दूसरा पोस्ट एंट्री मिलता है, लेकिन उन लोगों को जिन्होंने 5 साल पूरा कर लिया तो उन्हें पूरे सेवा के दौरान 3 साल स्टडी लीव मिलता है जिसमें एक दफा वह 2 साल अधिकतम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें इन सर्विस ट्रेनिंग जो थ्रू आउट उनको मिलते रहता है। तो जैसे मैं आपको बताया कि भारत में भर्ती प्रक्रिया और प्रशिक्षण दोनों साथ साथ शुरू हो जाता है, जैसे लोक सेवकों का जैसे देखते हैं कि लोक सेवकों का भर्ती हो रहा होता है उसी समय उनको ऑन एंट्री ट्रेनिंग में दिया जाता है। ऑन एंट्री ट्रेनिंग को दो वर्गों में बांट सकते हो, एक फाउंडेशन ट्रेनिंग होता है जो 4 महीने का होता है जिसमें आईएएस आईपीएस आईएफएस या जितने उच्च सेवा के अधिकारी होते हैं क्लास 1 और क्लास ग्रुप बी कुछ ग्रुप बी अधिकारी भी वहां जाते हैं और वो फाउंडेशन ट्रेनिंग लेते हैं।
उसके बाद सबको अपने अपने प्रशिक्षण संस्थान भेज दिया जाता है, आईएएस के अधिकारी वहीं रह जाते हैं और उनको वहां पर इंडक्शन ट्रेनिंग या विषयगत प्रशिक्षण दिया जाता है। तो फाउंडेशन ट्रेनिंग का उद्देश्य मैंने आपको बताया कि फाउंडेशन ट्रेनिंग का उद्देश्य होता है लोक सेवकों में दलीय भावना। ग्रुप बी का अधिकारी अब नहीं जाते, पहले जाते थे, अब उनको हटा दिया गया, केवल ग्रुप ए के अधिकारी जाते हैं, समझे, और आईएएस और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी जाते हैं। क्लियर है, मैंने बताया कि इनके जो अधिकारी का जो प्रशिक्षण होता है, क्लियर है, इसमें उनमें दलीय भावना विकसित करना नंबर वन, नंबर दो उनमें मतलब उनके भारतीय संविधान शासन प्रणाली इत्यादि के बारे में जानकारी देना, और तीसरा क्या होता है, उन्हें भावी व्यवस्था से अवगत कराना होता है। तो ये 4 महीना का प्रशिक्षण होता है, उसके बाद सब अपने अपने प्रशिक्षण संस्थान चले गए, आईएएस का अधिकारी वहीं रह जाता है जहां उसको फाउंडेशन ट्रेनिंग मिलता है, इंडक्शन ट्रेनिंग मिलता है, विषयगत प्रशिक्षण होता है जो सैंडविच कोर्स के तर्ज पर होता है, जिसमें 5 महीना उसको विषयगत प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें उसको इंडियन आईपीसी के बारे में, सीआरपीसी के बारे में, लीगल सिस्टम के बारे में, रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू कोड के बारे में और ये बहुत सारी चीजों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, और फिर उनको 1 साल के लिए किसी संवर्ग राज्य, उनका संवर्ग राज्य वहां भेज दिया जाता है कैडर स्टेट में, समझ रहे, जहां वह राज्य के प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण पाते हैं, और फिर वह किसी डीएम के साथ अटैच कर दिया जाता है उनको, और जिला में विभिन्न पदों पर घूमते हुए प्रशिक्षण पाते हैं। क्लियर है, तो 5 महीना विषय पहले सैंडविच कोर्स का पहला प्रशिक्षण मिलेगा, फिर 1 साल के लिए उनको फील्ड में भेजा जाएगा, समझ रहे, जहां पर वो संवर्ग राज्य में जाएंगे, सबसे पहले राज्य के प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण लेंगे, फिर वहां से वो चले जाएंगे किसी डीएम के साथ अटैच हो जाएंगे और विभिन्न पदों पर घूमते हुए जिला के वे व्यवहारिक प्रशिक्षण पाएंगे, फिर वे अपने प्रशिक्षण संस्थान लौट जाएंगे जहां उनको फिर से 3 महीना का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो प्रशिक्षण उनके क्षेत्रगत प्रशिक्षण के परिप्रेक्ष्य में होता है, फिर एक एग्जाम होता है जो यूपीएससी द्वारा ऑर्गेनाइज होता है और उसमें वो फलीफल सफल होते हैं, और इस प्रकार उनका क्या होता है, प्रशिक्षण भी समाप्त हो जाता है और परिवीक्षण भी शुरू समाप्त हो जाता है, फिर उनको किसी जिला में पदस्थापित कर दिया जाता है। तो दिस इज बेसिक पॉइंट जो आईएएस का होता है। उसी प्रकार आईपीएस को भी प्रशिक्षण मिलता है, वो भी सैंडविच कोर्स के तर्ज पर होता है, वह लाल बहादुर हमें 4 महीना का प्रशिक्षण जो फाउंडेशन होता है, और फिर 23 महीना का प्रशिक्षण जो लाल सरदार पटेल पुलिस अकेडमी मिलता है। उसी प्रकार आईएफएस अधिकारी फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी को भी 3 साल का प्रशिक्षण मिलता है जो देहरादून में मिलता है। उसी प्रकार विदेश सेवा के अधिकारी को भी 3 साल का प्रशिक्षण मिलता है जो उनके प्रशिक्षण संस्थान दिल्ली में मिलता है। इसी प्रकार सब अलग अलग सेवा के अधिकारियों को उनके प्रशिक्षण संस्थानों में विषयगत प्रशिक्षण मिलता है और फाउंडेशन ट्रेनिंग सबको लेना होता है। देयर इज नो कन्फ्यूजन। लेकिन इनका प्रशिक्षण ही समाप्त नहीं होता, इनको पूरा सेवा के दौरान प्रशिक्षण मिलते रहता है। इनके जो प्रशिक्षण संस्थान है हमेशा कुछ ना कुछ कोर्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हो कि भारत में जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है अपने आईएएस अधिकारियों के लिए लगातार प्रशिक्षण ऑर्गेनाइज करते रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आईएएस अधिकारी समझे 6 से 8 साल नौकरी पूरा कर चुके होते हैं, उनको 6 सप्ताह का एडीपी ट्रेनिंग दिया जाता है। एडीपी का मतलब होता है एक्सिक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रेनिंग। और जो अधिकारी 10 से 16 साल का सेवा कर चुके होते हैं तो उन लोगों को 4 सप्ताह का एमडीपी ट्रेनिंग होता है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रेनिंग। फिर मैंने बताया हर साल लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में 1 सप्ताह का रिफ्रेशर कोर्स होता है जिसमें हर आईएएस अधिकारी सम्मिलित हो सकते हैं, जिसमें उनको देश में चल रहे नवीन घटनाओं से अवगत कराया जाता है, नए नए प्रविधि से अवगत कराया जाता है और उनमें दलीय भावना विकसित करने का प्रयास किया जाता है। ईडीपी ट्रेनिंग जो 6 सप्ताह का होता है वह जब आईएएस अधिकारी कलेक्टर के पद पर उसके आसपास पहुंचने का होता है उसमें प्रदान किया जाता है, और जब 4 सप्ताह का जो एमडीपी ट्रेनिंग होता है वह जब वह सचिवालय या उस स्तर के नीति निर्धारण काम से जुड़ने की स्थिति में रहता है तब उसको प्रदान किया जाता है। भारत में लोक सेवकों को इसके अलावे विदेशों में भी प्रशिक्षण दिया जाता है, देश में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। भारत में IIPA का नाम सुना होगा, IIPA जो है शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थान है,
यह भी 9 महीने का एडवांस प्रोग्राम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स स्टार्ट ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें सीनियर आईएएस अधिकारी हिस्सा लेते हैं, जिसका उद्देश्य होता है नीतिगत मामले में प्रशिक्षण देना। समझ रहे हैं, जैसा कि आप जानते हो दूसरे सेवा के अधिकारियों को भी उनके प्रशिक्षण संस्थानों में व्यापक प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन अगर मैं प्रशिक्षण का अगर पूरा ओवरऑल खाका खींचू और फिर उसका समीक्षा करूं तो इसमें कुछ परिसीमाएं भी देखने के मिलते हैं। बाय द वे भारत में उच्च लोक सेवकों के प्रशिक्षण की तो बहुत व्यापक व्यवस्था की गई है, लेकिन प्रशिक्षण में कुछ महत्वपूर्ण परिसीमाएं भी देखने को मिलता है। तो मेरे से अगर आप पूछो दो चार परिसीमा, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट परिसीमा कि भारत में प्रशिक्षण के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई जाती, बहुत एडहॉक तरीका से चलता है, नंबर वन। नंबर दो, भारत में जो प्रशिक्षण होता है वो तो बहुत एकेडमिक नेचर का होता है, जैसे प्रोफेशनलिज्म उसमें नहीं रहता है। तीसरा, इसमें अट्रैक्शन का अभाव है, यानी ऐसा नहीं कि आप प्रशिक्षण पालोगे तो आपको पदोन्नति हो जाएगा या वेतन वृद्धि हो जाएगा, कंपल्सरी, इसीलिए लोग उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। चौथा क्या होता है कि भारत में जो प्रशिक्षण होता है वह क्या होता है, बहुत ही जनरल नेचर का होता है, और आज जमाना क्या है, प्रोफेशनल है, तो इस परिस्थिति में उनका प्रशिक्षण से कोई सार्थक परिणाम नहीं मिलता। समझ, फिर से रिपीट करता हूँ, पहला प्रशिक्षण नीति का अभाव, दूसरा प्रशासन में शैक्षणिक स्वरूप अति शैक्षणिक स्वरूप का होना, तीसरा इसके साथ आकर्षण का अभाव होना, चौथा मतलब इसका बहुत ही सामान्य स्वरूप का होना, पांचवा कर्मचारी के पक्ष में भी प्रशिक्षण के प्रति बड़ी उदासीनता होती है, लोग प्रशिक्षण को सीरियसली नहीं लेते, लोग प्रशिक्षण को वेतन शुदा छुट्टी मानते हैं और लोग प्रशिक्षण को घर छुट्टी मान के घर पर एंजॉय करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत है। अगर कोई दिल्ली में या फॉरेन में प्रशिक्षण दिया जा रहा तो प्रशिक्षण जाते जरूर है, लेकिन प्रशिक्षण कम और घूमने फिरने पर ज्यादा ध्यान जरूर देते। नेक्स्ट, यहाँ भारत में प्रशिक्षण का मूल्यांकन नहीं होता कि प्रशिक्षण लेने के बाद कर्मचारी के निष्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा। आमतौर पर हम प्रशिक्षण का मूल्यांकन खर्च के आधार पर करते हैं या कर्मचारी के प्रतिभागी के संख्या के आधार पर करते हैं, निष्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा इस पर विचार नहीं करते। और आप एक चीज और देखते हो कि उच्च स्तर के अधिकारियों का प्रशिक्षण तो है भी, निम्न स्तर के कर्मचारियों का प्रशिक्षण बहुत ही लचर पचर रहता है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण परिसीमाएं, उसी को केंद्र बिंदु पर रखकर यह क्वेश्चन जो 43वां बीपीएससी में पूछा गया था कि भारत में उच्च लोक सेवकों का प्रशिक्षण कुछ ज्यादा थ्योरिटिकल है, जिससे कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, बहुत ही कैजुअल है, यानी इससे कोई प्रमोशन वगैरह कोई लेना देना नहीं है, और बहुत ही जनरल टाइप का है जो प्रोफेशनलिज्म के दृष्टि से बेकार है। क्लियर है, ये क्वेश्चन 43वां बीपीएससी में पूछा गया था और मैं आपको बोला ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी एक दफा पूछा गया है। क्लियर है, तो उसी को रिपीट किया था इसने। तो मैं यह बताना चाहूंगा कि प्रशिक्षण कार्मिक प्रशासन में आप समझ लो, मतलब कह सकते हो कि एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके द्वारा आप लोक सेवकों को मनोवांछित दिशा प्रदान कर सकते हो, उसको कंडीशन कर सकते हो, उसके मनोविज्ञान को प्रभावित कर सकते हो, उनके दक्षता को प्रभावित कर सकते हो। तो उस हिसाब से प्रशिक्षण को प्रभावी बनाना बहुत आवश्यक है। इसी संदर्भ में आप देखते हो कि लगातार पिछले दिनों प्रशिक्षण पर वर्कआउट किया जाता रहा है। समझ रहे, दो मतलब आप देखते हो, युगांधर समिति का नाम आपने सुना होगा, युगांधर समिति ने जो 2003-04 में बना था, वो उच्च लोक सेवकों के प्रशिक्षण के सेवाकालीन प्रशिक्षण पर खासतौर पर वर्कआउट किया था और उसने लोक सेवा में प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए बहुत सारे सजेशन दिए थे, जैसे फाउंडेशन ट्रेनिंग हो गया नंबर वन, दूसरा विषयगत प्रशिक्षण हो गया नंबर दो, फिर तीसरा 6 से 9 साल के मतलब सेवा के बाद प्रशिक्षण का, फिर 14 से 16 साल के सेवा के बाद प्रशिक्षण का, और 26 से 28 साल जब लोक सेवकों का हो जाता उसमें प्रशिक्षण देने का इसने सुझाव दिया था। 12 साल पहला पॉइंट, 20 साल और 28 साल में मतलब इन जनरल जो प्रशिक्षण उनको मिल रहा था उसके अलावे इसने प्रशिक्षण देने की बात कही। समझ रहे, तो आप यहाँ जब लिखोगे तो इस पर इसको पॉइंट आउट करोगे कि भारत में लोक सेवकों का प्रशिक्षण की व्यवस्था बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन कुछ लिमिटेशन है, और लिमिटेशन ये है
कि ज्यादा थियोरिटिकल है, ज्यादा कैजुअल है, ज्यादा जनरल नेचर का है, इस कारण इसका वांछित परिणाम नहीं निकल पाता है। इसी संदर्भ में भारत सरकार लगातार इस पर वर्कआउट की है और आप देखते हो राजीव गांधी की सरकार में भी प्रशिक्षण को बेहतर बनाने के लिए, जैसे 1985 में आपने देखा होगा एक नया मंत्रालय ही बना दिया गया जिसको कहते हैं कार्मिक मंत्रालय, जो प्रधानमंत्री के अधीन रहता है। ये कर सकते हो, इस दिशा में मील का पत्थर हो सकता है कि लोक सेवकों को एड्रेस करने के लिए एक अलग से मंत्रालय ही बनाया गया जिसका नाम है कार्मिक मंत्रालय। तो उसमें उसमें डिपार्टमेंट ऑफ कर सकते हो पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ये बहुत काम करते रहता है और इसमें नया नया चीज जोड़ घटाव होते रहता है। इसी संदर्भ में ये क्वेश्चन को अगर आप वर्कआउट करना है तो आप ये बता सकते हो कि राजीव गांधी की सरकार में कार्मिक मंत्रालय बना, फिर युगांधर समिति की स्थापना की गई जिसने लोक सेवा के सेवाकालीन प्रशिक्षण पर वर्कआउट किया और प्रशिक्षण को 5 स्टेज में बांटा, जो प्रवेश के समय प्रशिक्षण 2 मिला 100, इसके अलावे आपको मैंने बताया 12 साल के नौकरी होने पर, 20 साल के नौकरी होने पर और 28 साल का नौकरी होने पर 8 सप्ताह, फिर 8 सप्ताह, फिर 4 सप्ताह का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। क्लियर है। अभी हम लोग देखते हैं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इस पर बहुत जबरदस्त वर्कआउट किया और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कई सुझाव दिए। जैसा कि मैं यहाँ पॉइंट आउट कर दूं, भर्ती और प्रशिक्षण एक ऐसा मैकेनिज्म है इसके द्वारा आप लोक सेवा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकते हो, आप इसके माध्यम से लोक सेवा को ईमानदार बना सकते हो, इनके माध्यम से आप लोक सेवा को प्रभावी बना सकते हो, इनके माध्यम से आप लोक सेवा को प्रतिबद्ध बना सकते हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आईएएस अधिकारियों का जो इंडक्शन ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग होता है उसको उन्होंने रोक लिया, उन्होंने राज्य में नहीं भेजा बल्कि अपने पास 1 साल उनको रखा कि आप पहले यहाँ काम सीखो, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो, फिर जाके फील्ड में काम करना। ऐसा क्यों किया? इसका कारण था, उनका मानना है कि लोक सेवकों के माइंडसेट में हम जैसा प्रोग्राम लोड करेंगे परफॉर्मेंस वैसा ही होगा। अगर शुरू में ही प्रोग्रामिंग गलत हो गया तो परफॉर्मेंस आगे खराब हो जाता है, इसलिए शुरू से ही इनके मतलब सॉफ्टवेयर में अच्छा प्रोग्रामिंग हो तभी बेहतर निष्पादन की प्रत्याशा की जा सकती है। तो आप लोग कह सकते हो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी लोक सेवा को कार्यकुशल बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, ईमानदार बनाने के लिए, व्यावसायिक बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए। जैसे इसने सबसे पहला बात कहा कि लोक सेवकों का मतलब कह सकते जिससे प्रवेश होता है उसमें प्रशिक्षण को क्या कर दिया जाए, अनिवार्य कर दिया जाए और पूरे सेवा के दौरान समय अंतराल में उनको प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से मिले ये सुनिश्चित किया जाए। मैंडेटरी ट्रेनिंग मैकेनिज्म शुड बी अडॉप्टेड, यह पहला सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग का था। दूसरा उसने बताया कि ग्रुप ए अधिकारी जितने भी होते हैं उनके लिए कॉमन फाउंडेशन कोर्स होना चाहिए और उसी प्रकार ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो अधिकारी होते हैं उनके लिए भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरियल ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट ISTM जो दिल्ली में है वहां उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। तीसरा उसने बताया कि मिड डे ट्रेनिंग जो मिड टर्म जो मिड कैरियर ट्रेनिंग जो होता है इसका भी मतलब क्या हो सकता मतलब व्यापक बनाया जाना चाहिए और इसका क्षेत्र को मतलब कुछ इस तरह से किया जाए ताकि जो लोक सेवक है चेंजिंग सिनेरियो में अपने काम को बेहतर ढंग से संपन्न कर सके या सुनिश्चित हो सके, यानी मिड कैरियर ट्रेनिंग का डिजाइन कुछ इस प्रकार हो ताकि लोक सेवक चेंजिंग सिनेरियो में अपने आप को बेहतर महसूस कर सके। पांचवा इसने बताया कि एक मतलब लोक सेवकों को मतलब सेवा के दौरान पोस्ट इंटर ट्रेनिंग के माध्यम से ज्यादा एकेडमिक क्वालिफिकेशन डेवलप करने पर वर्कआउट करना चाहिए। इसमें नवीनता का संचार होगा, ज्ञान व्यापक बनेगा और वो बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। फिर उन्होंने स्टेट लेवल पर और ज्यादा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नेटवर्क डेवलप करने के आवश्यकता पर बल दिया। समझ जितना ज्यादा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होगा उतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा और डिफरेंट ओरिएंटेशन से कर्मचारी को समझने का मौका मिलेगा। इसके अलावा इसने एक नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन समझ रहे ना कि को मतलब स्थापना करने की बात कही गई कि एक नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए
जिसमें जो श्रेष्ठ जो लोग हैं समय रहे हैं, श्रेष्ठ प्रतिभा है उसको उसमें शामिल किया जाए और उनके माध्यम से लोक सेवकों को प्रशिक्षण देने की बात की जाए। और मतलब एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस समय रहे एस्टेब्लिश किया जाए राज्य स्तर पर राष्ट्र स्तर पर और उसे समय रहे प्रशिक्षण का केंद्र बिंदु बनाया जाए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट समय रहे इसने कहा कि मतलब जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो गुड गवर्नेंस होगा वह क्या करेगा कि लोक सेवकों को प्रशिक्षण का मतलब पाठ्यक्रम निर्धारित करेगा, समीक्षा करेगा, उसमें बदलाव लाते रहेगा, जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में हर राज्य में हर जिला में स्थापित हो सके उतना बेहतर होगा। तो मैं आपको बता दूं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोक सेवा में प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कई सुझाव दिए हैं समय रहे ताकि लोक सेवक प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिबद्ध हो सके, प्रभावी हो सके, ईमानदार हो सके। एक्चुअली होता क्या है कि लोक सेवा का व्यवस्था कुछ ऐसा होता है कि लोक सेवा जब उसमें जाते हैं तो एक मशीनीकृत व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं और धीरे धीरे उनकी क्षमता ह्रास होने लगती है, समय वो डिक्रीजिंग रिटर्न्स में चल जाते हैं। तो प्रशिक्षण एक ऐसा व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम उसके जो एंट्रोपिक टेंडेंसी है उसको रोक सकते हैं और कर्मचारी को प्रतिबद्ध, प्रभावी और ईमानदार बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं। जैसे इसने पॉइंट आउट किया कि ट्रेनिंग को मैंडेटरी किया जाए। ट्रेनिंग को मैंडेटरी करने का मतलब हुआ कि आप ट्रेनिंग के प्रति सजग रहें, ट्रेनिंग को गंभीरता से लें, ट्रेनिंग को प्रमोशन और पे इंक्रीमेंट से जोड़कर देखें, तब लोग प्रशिक्षण के प्रति सरकार भी सजग रहेगी, गंभीर रहेगी और कर्मचारी भी। तो ट्रेनिंग को मैंडेटरी करने की बात कही गई। जितने भी ग्रुप ए अधिकारी हैं सबको एक साथ फाउंडेशन कोर्स देने से क्या होगा, उनमें दलीय भावना डेवलप होगा। और उसी प्रकार जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के भी अधिकारी वो एक टीम के रूप में समझेंगे, अपने जॉब प्रोफाइल को समझ सकते हैं। मीड कैरियर ट्रेनिंग जो होता है ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इस समय कर्मचारी जो होते हैं वो एक ऐसे मुकाम पर रहते हैं जहां पर उनके जो अपने ज्ञान है, उनका जो बैकग्राउंड है वह कहीं पर्याप्त, कहीं अपर्याप्त, कहीं पूर्ण, कहीं अपूर्ण हो रहा होता। तो उस परिस्थिति में हम मीट के लिए ट्रेनिंग के माध्यम से उनके इस लिमिटेशन को दूर कर सकते हैं और उन्हें चेंजिंग प्रोफाइल के अनुसार काम करने में सक्षम बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हम मतलब उनको ज्यादा से ज्यादा एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कहें ताकि वह नवीनता और समय रहे थोड़ा ओजस्विता का महसूस कर सके। फिर उन्होंने ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट का एक नेटवर्क डेवलप करने की बात कही है जो जूनियर लेवल पर, स्टेट लेवल पर एस्टेब्लिश हो और लोक सेवकों को ज्यादा से ज्यादा इसमें एक्सपोजर दिया जा सके। फिर इसके अलावा नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के एस्टेब्लिशमेंट पर बात की गई है जो जिसमें देश के इम्पोर्टेंट शख्सियत को रखा जाए और उनके माध्यम से प्रशिक्षण की बात की जाए और प्रत्येक राज्य में और राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एस्टेब्लिश करने की बात की गई है और इन्हें प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम बनाने, उसकी समीक्षा करने और संशोधित करने का अधिकार दिया गया लेने की बात कही गई है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रशिक्षण पर वर्क लगातार किया जा रहा है और अभी जो मौजूदा सरकार है वह भी इस पर काफी कंसर्न है और लोक सेवा में महत्वपूर्ण परिवर्तन अपेक्षित है। जैसा कि आपने देखा लोक सेवा के भर्ती में बदलाव तो हो ही रहा है और प्रशिक्षण में भी आने वाले समय में महत्वपूर्ण परिवर्तन अपेक्षित है। जैसा कि हमने आपको बताया कि यदि कार्मिक प्रशासन में भर्ती जो है आप कह सकते हो प्रवेश द्वार हुआ तो फिर क्या कह सकते हो जो प्रशिक्षण हुआ वह क्या हुआ उसका कह सकते हो सफल प्रभावकारिता का कुंजी हुआ। पर जितना ज्यादा बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा वे उतना बेहतर ढंग से परफॉर्म कर पाएंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वर्गवाणी में जो उर्वरक का महत्व है वही महत्व क्या है वर्तमान में प्रशिक्षण में, प्रशिक्षण का कार्मिक प्रशासन में। और इस संदर्भ में मैं समझता हूँ आप इस क्वेश्चन दोनों तीनों को आप एड्रेस कर सकते हो। पहला प्रशिक्षण क्या है, प्रशिक्षण के विभिन्न प्रकार को लिख सकते हो। फिर भारत में उच्च लोक सेवकों के प्रशिक्षण के बारे में जो क्वेश्चन है उसको पॉइंट आउट कर सकते हो। और अखिल भारतीय सेवा के भर्ती वाला तो कल ही मैंने बताया था, प्रशिक्षण आई बताया और फिर इस पर आप वर्कआउट कर सकते हो।
अगर किसी तरह कोई दिक्कत हो और मोस्ट वेलकम, आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको हेल्प करूंगा और जैसा हो ओके ऑल द बेस्ट, गो ऑन कैरी ऑन एंड ऑल द बेस्ट, एंजॉय, थैंक्स।